बसमिल्ल रही अलकम वरह वरक स्टूडेंट्स हम लोगों ने बी एस सी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है बी एस सी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक जोमेट्री की बुक है आथर डॉक्टर एम एन एम तालपुर इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर एट शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सरफेस एंड स्पेस कर आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर थ्री नाइनटी पे दी हुई है और एक्सरसाइज नंबर कौन सी है एट पॉइंट ट्वेल्व इस एक्सरसाइज के टोटल दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू ठीक है ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये पेपर में कई दफा आ चुके हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले जो क्वेश्चन हैं हम लोग उन्हें वैसे ही सॉल्व करने हैं जिस तरह हम लोग उन्हें प्रीवियस लेक्चर्स में तीन थ्योरम किए थे उनकी पैरामीटर की इक्वेजन यूज करके हम लोगों ने क्या करना है टू लाइंस फाइंड आउट करनी है ठीक है इसमें हम लोगों ने हैपरबोलेट क्या होता है उसकी इक्वेजन यूज करनी है ठीक है इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने क्या करना है पैराबोलेट की इक्वेशन को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना और पैरामीटर की क्वेजन भी हम लोग वही यूज करेंगे जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में आ, आप लोगों को मैंने तीन थ्योरम प्रूव करवाए थे उनके रिजल्ट यूज करके हम लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करना है इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू करेंगे आज के इस लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन करते हैं ठीक है इसमें कहता है फाइंड टू लाइंस थ्रू पॉइंट टू टू थ्री विच लाई ऑन हैपर

तो अगर टू स्क्र उपर स्क्र रूट नहीं दी हुई तो आप लोग इनके ऊपर स्क्यर रूट लगा लीजिए ठीक है अब हम लोगों ने क्या करना है वो कहता है टू लाइंस फाइंड आउट करें ठीक है हमारे पास जो पॉइंट है टू स्क् रूट टू स्क् रूट थ्री स्को बिच लाइन हैपर बुलेट की जो ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मैंने जी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन उस पर ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है लाई कर रहा है ठीक है तो इसका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है मुश्किल बिल्कुल नहीं है इसको अच्छे तरीके से समझना है इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ताला इसका क्वेश्चन नंबर टू करेंगे ठीक है इसका सोल्यूशन अब हम लोग क्या करना है टू लाइंस फाइंड आउट करनी है टू लाइंस फाइंड आउट करनी है टू लाइंस का मतलब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू एक्स वाई जी ठीक है इसी तरह एक्स वाई जी दो दफा हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो दफा वाई की दो दफा जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है जो हमारे पास हैपर की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो लिखेंगे ठीक है स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यहां पर लिखेंगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ पर बोलेड इज ठीक है वो क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी वो होती है हमारे पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस जेड स्क्यर डिवाइडेड बाय सी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास वन होती है ठीक है अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आता जाता है हैपर बोलेड तो आप लोग उस स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा करें हैपरबुलेट की इक्वेशन ठीक है ये मैंने रिजल्ट आप लोगों को प्रूव भी करवाया था इसी तरीके से अगर पैराबोलेट आ जाता है तो पैराबोलेट का रिजल्ट लिखना अगर कौन आ जाता है तो कौन का रिजल्ट लिखना लेकिन आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के जस्ट दो ही क्वेश्चन करने हैं ठीक है बाकी क्वेश्चन नहीं करने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करना है ठीक है अब हमारे पास जो हैपर पोलेट की इक्वेशन गिवन है वो देखते हैं वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मैंने जी स्क्र इज इक्वल टू वन ठीक है तो यहां पे लिखेंगे गिवन गिवन हैपरबोलेड इज वो क्या है हमारे पास एक्स स्केर प्लस वाई स्केयर माइनस जी स्केयर इज इक्वल टू वन ठीक है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ हैपरबोलड होती है सेम इसी फॉर्म में इसके जो हमारे पास गिवन है इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे हम लोगों ने इसमें से निकालना है इसमें से ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय वन का स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय वन का स्केयर माइनस जी स्केयर डिवाइडेड बाय वन का स्केयर इज इक्वल टू वन इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं ठीक है इस तरीके से लिख सकते हैं अब ये हमारे पास आ जाएगी क्वेशन नंबर बी ठीक है हम लोग कंपेयरिंग करेंगे क्वेशन ए और बी का कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी इक्वेशन ए और बी का कंपेयरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर है यहां का स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर ठीक है तो, तो इसमें से हम लोग ए वन का स्क्वायर वन के बराबर होता है ठीक है तो हमारे पास इसमें ए के ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी इसी तरीके से बी की भी वन आ जाएगी सी की भी क्या आ जाएगी वन आ जाएगी ठीक है ए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली वो कितनी आ गई यहाँ पे ए की वैल्यू भी वन आई ठीक है बी की वैल्यू भी कितनी आई वन आई और सी की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे वन आ गई ठीक है ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने लिखना है कि हमारे पास हैपर बोलेट की इस हैपर बोलेट की जो पैरामीट्रिक की कोई ऑफ लाइन होती हैं वो हम लोगों ने लिखनी है ठीक है तो लिखना है सिंस लाइन्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म हमारे पास हैपरबुलेट में जो पैरामीट्रिक की कोई होती हैं ठीक है लाइन की वो क्या होती है हमारे पास वो होती हैं एक्स इज इक्वल टू ए काज एल्फा ए काज एल्फा प्लस ए टी साइन अल्फा प्लस ए टी साइन अल्फा इसी तरीके से y होता हमारे पास और इज इक्वल टू होता है यहाँ पे सी टी के ठीक है एक तो हम लोग उन्हें ये हमारे पास पैरामीट्रिक होती हैं इनको आप लोग कोई भी कोई नंबर सी का नाम मेंशन कर दें ठीक है इसी तरह हमारे पास और भी क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है टू लाइंस ठीक है तो और भी हम लोगों ने इक्वेशंस यहां पे लेट करनी है ठीक है सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास जो पैरामेट्रिक लाइंस और होती हैं हेपर बोलेट के लिए वो हमारे पास होती हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉज बीटा यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा लिखना है प्लस की जगह पे क्या लिखना है माइनस लिखना है ए और टी की जगह पे क्या लिखना है हम लोगों ने एस लिखना है क्या लिखना है एस और ये ऑफ़ बीटा इक्वल टू पे बी हमारे पास लिखा हुआ है तो बी का बी लिखेंगे ठीक है साइन अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे बीटा लिखेंगे माइनस की जगह पे आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे प्लस लिखना है और बी एस कॉज ऑफ बीटा और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास t की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे है लिख रहे हैं s लिख रहे, है, रहे हैं ठीक है z इज इक्वल टू सी एस याद रखें इसी तरीके से हम लोगों ने पैरामीटर क्योंकि हम लोगों ने टू लाइंस फाइंड आउट करनी है ठीक है तो x इज इक्वल टू ए काज एल्फा प्लस ए टी साइन एल्फा यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिखना है एल्फा की जगह पे बीटा लिखना है टी की जगह पे एस लिखना है यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या लिखना है प्लस टी की जगह पे एस एल्फा की जगह पे क्या लिखना है बीटा ये हमारे पास कोई क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर डी ठीक है उसके बाद इसका और इसका प्रोसेस हम लोगों ने बिल्कुल सेम करना है सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन सी में क्या करना है ए बी सी की वैल्यू पुट करके इसमें से हम लोगों ने निकालनी है टी की वैल्यू किसकी वैल्यू निकालनी है टी की वैल्यू टी की वैल्यू को फिर इसमें और इसमें पुट करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग इनको सॉल्व करके इसमें से वैल्यूज निकालेंगे इसमें से वैल्यू निकालेंगे कौन, कौन कौन सी साइन अल्फा और कॉज अल्फा की ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे एट ए बी और सी की वैल्यू क्या आई वन वन सी की वैल्यू भी वन इन इक्वेशन नंबर सी ठीक है पहले हम लोग सी में पोट करेंगे तो एक्स ए बी और सी वन है तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस ठीक है इसी तरीके से y is equal to आ, जाएगा, is equal to आ जाएगा हमारे पास टी इसमें हम लोगों ने ए की जगह पे वन रखा तो काज अल्फा को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉज अल्फा यहां पे, पे वन रखा तो ये आ जाएगा टी सैन अल्फा ठीक है बी वन हो जाएगा सैन अल्फा लेख लिया जस्ट बी और सी की जगह पे हम लोगों ने क्या पोट किया वन 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 पोट कर दिया ठीक है अब हम लोगों ने क्या करना है? इसमें हम लोगों ने पॉइंट पोट करना है ठीक है कौन सा पॉइंट पोट करना है इसको आप इसको आप आप लोग, लोग किसी ई क्वेशन का नाम मेंशन कर लें ठीक है अब हम लोगों ने क्या करना है जो हमारे पास गिवन पॉइंट है ना वो पोट करना है ठीक है तो गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है एट टू अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट ठीक है ये हमारे पास x है ये हमारे पास y है और ये हमारे पास क्या है z है इसको इक्वेशन e में पोर्ट करके इसमें से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे काज अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू वैल्यूट फाइंड आउट करेंगे तो x की जगह पे क्या पोर्ट करेंगे ये हमारे पास टू अंडर रूट स्क्र रूट में और ये आ जाएगा काज अल्फा प्लस टी साइन अल्फा ठीक है इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी टू अंडर रूट और ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस टी और ये काज ऑफ एल्फा z इज इक्वल टू कितना हमारे पास थ्री स्क्र रूट थ्री रूट और ये किसके बराबर है टी के तो इस टी को हम लोग इस इसमें और इसमें कर देंगे ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा यहां पे टू स्केयर रूट इज इक्वल टू काज प्लस की वैल्यू कितनी आई ये वाली थ्री स्क्र रूट थ्री और ये साइन अल्फा ठीक है इसी तरीके से टू अंडर रूट ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास थ्री अंडर रूट तो थ्री अंडर रूट और ये आ जाएगा काज ऑफ अल्फा इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम मेंशन कर लें इसको इक्वेशन नंबर टू का अब हम हमारा काम क्या है हमारा काम ये है कि इसको एड सब्ट्रैक्ट करके इसमें से काज अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे काज अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू जैसे आएंगी उनको इक्वेशन ई में पुट कर लेंगे ठीक है अब हमारा काम क्या है इसको इक्वेशन वन और टू को ऐड एड्रैक्ट करके ऐसे ऐड अप्रैक्ट करना है कि इसमें से काज अल्फा और सैन अल्फा की वैल्यू आ जाए काज अल्फा और सैन अल्फा की वैल्यू जैसे आएगी उसको इक्वेशन ई e में पुट करेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगी अः वन लाइन आ जाएगी ठीक है दूसरी लाइन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन डी में सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद Z का जो uh, हमारे पास जो पॉइंट होगा वो पुट करेंगे उसमें से जो हमारे पास uh, यहाँ पे T था ठीक है और जो हमारे पास S आ जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे इन्हीं को इन में पुट करके फिर उनको ऐड सप्ट्रैक्ट करेंगे काज बीटा और सैन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट निकाल लेंगे ठीक है पहले बरहला आप लोग ये समझें अब हम लोग क्या करते हैं इनको ऐड सप्ट्रैक्ट करके अल्फा और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं ठीक है तो देखें ये हमारे पास क्या है यहाँ पे काज अल्फा के साथ उस हम लोग क्या करते हैं काज अल्फा है, है यहाँ पे थ्री अंडर रूट काज अल्फा है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं थ्री अंडर रूट को इक्वेशन वन के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सैन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं थ्री अंडर रूट मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड प्लस करना है किसी के साथ इक्वेशन टू के साथ तो थ्री अंडर रूट जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री अंडर रूट टू अंडर रूट इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट काज ऑफ एल्फाज एल्फा प्लस थ्री अंडर रूट ये आ जाएगा साइन ऑफ एल्फा ठीक है तो इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन लिख के इसके साथ ऐड कर देंगे इसको थ्री अंडर रूट के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया थ्री अंडर रूट जब थ्री अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे लिख लेते हैं ये प्लस थ्री अंडर रूट ठीक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री अंडर रूट टू अंडर रूट उज ऑफ एल्फा प्लस थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा थ्री साइन एल्फा आ जाएगा ठीक है क्योंकि थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो थ्री अंडर रूट का स्क्वायर ये इसे कैंसिल यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ठीक है तो दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या है इसके साथ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा टू अंडर रूट टू अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस थ्री अंडर रूट काज अल्फा प्लस साइन अल्फा इसको हम लोगों ने क्या किया काज़ वाला फंक्शन पहले लिख लिया साइन वाला बाद में ये प्लस का माइनस का काट जाएगा ठीक है इसको जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री अंडर रूट टू अंडर रूट प्लस टू अंडर रूट थ्री साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास फोर काज अल्फा आ जाएगा ठीक है इसमें से हमारे पास जो काज अल्फा है वो आ जाएगा इसमें से टू अंडर रूट कॉमन भी ले सकते हैं ये आ जाएगा थ्री अंडर रूट प्लस वन और डिवाइडेड बाय फोर तो काज अल्फा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट प्लस वन इस फोर को हम लोग लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाय टू ठीक है तो ये आ जाएगा काज अल्फा टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट प्लस वन इस टू को हम लोग लिख सकते हैं टू अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय टू अंडर रूट और ये वाला टू वैसे का वैसा ये और ये कैंसल तो हमारे पास काज अल्फ़ा कितना आया काज अल्फा हमारे पास आ जाएगा थ्री अंडर रूट प्लस वन मल्टी डिवाइडेड बाई टू टू अंडर रूट ठीक है ये हमारे पास क्या आ जाएगी काज अल्फा की वैल्यू इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे फिर इसमें से ये काज अल्फा की वैल्यू आप लोग चाहे वन में पोट करें या टू में पोट करें और इसमें से वैल्यू निकालें इसमें से वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे किसकी सेन अल्फ़ा की ठीक है तो सैन अल्फ़ा की जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बी सी की वैल्यू यहां पे वन है ये आप लोगों ने याद रखनी है ठीक है ये हमारे पास क्या था कॉज ऑफ बीटा तो ये इक्वेशन डी वाली जो हमारे पास ही है। आप देखें इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में ठीक है वन में पुट करके इसमें से सैन अल्फा निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा टू अंडर रूट इज इक्वल टू कॉज ऑफ एल्फा प्लस थ्री अंडर रूट ज अल्फा का रिजल्ट हमारे पास कितना आया ये वाला ये कितना आया थ्री अंडर रूट प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टू स्क्वायर रूट प्लस थ्री अंडर रूट और ये साइन ऑफ अल्फा ठीक है तो इसमें जब हम लोग क्या करेंगे साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसमें सेन अल्फ़ा निकालना है ठीक है ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री अंडर रूट साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा थ्री अंडर रूट प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टू अंडर रूट माइनस टू स्क्वायर रूट ठीक है इसका एलसीएम जब लेंगे तो थ्री अंडर रूट प्लस वन माइनस टू टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे फोर आ जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाय टू टू स्क्वायर रूट तो वन माइनस फोर कितना हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का थ्री आ जाएगा ठीक है माइनस का थ्री ये आ जाएगा थ्री अंडर रूट माइनस का थ्री डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा टू टू स्क्वायर रूट और ये थ्री अंडर रूट मल्टीप्लाई इधर क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे ठीक है थ्री स्क्वायर रूट तो ये हमारे पास सैन अल्फा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास अल्फा आएगा इसमें से अगर थ्री अंडर रूट का हम लोग कॉमन ले लें तो आ जाएगा वन माइनस इसको हम लोग दो दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं थ्री को तो थ्री स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टू 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 स्क्वायर रूट और ये थ्री स्क्वायर रूट ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सैन अल्फा की वैल्यू कितनी आई वन माइनस थ्री अंडर रूट और ये टू टू अंडर ये साइन अल्फा आ गया और ये हमारे पास काज अल्फा आ गया ठीक है इसको हम लोगों ने क्या करना है इक्वेशन ई में पोट कर देना है, तो हमारे पास फाइनली इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा ठीक है हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था इसमें से हम लोगों ने फाइंड आउट करना था जस्ट काज अल्फा और अल्फा तो हमारे पास जो ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी इक्वेशन की वो देखें वो हमारे पास आ जाएगी नौ यहाँ पे लिख लें x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास काज अल्फ़ा का रिजल्ट कितना आया वो हमारे पास आया था ये वाला थ्री अंडर रूट प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टू स्केयर रूट प्लस अल्फा t टी अल्फा ये अल्फा uh, का कितना रिजल्ट आया हमारे पास ये वाला आया वन माइनस थ्री स्केयर रूट डिवाइडेड बाय टू टू स्केयर रूट और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साथ टी आया ठीक है वाई इज इक्वल टू सैनअल्फ़ा

तो सेम इसी प्रोसेस से फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग ये हमारे पास जो रिजल्ट दिया हुआ है दूसरी पैरामीटर की कोई अंधी हुई है इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग उन्हें इसमें से ए बी सी की वैल्यू पोट करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यू पोट करेंगे सी की वैल्यू पोर्ट करने के बाद इसमें से एस की वैल्यू निकाल के इसमें और इसमें पोर्ट करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इनको एड से करके sin बीटा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे ठीक है तो इसको मैं रेज कर देता हूं ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ठीक है अगर नोट नहीं किया तो चले मैं इधर सॉल्व कर देता हूं ये देखें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है इस इक्वेशन डी में ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है तो यहां पे लिखेंगे एट एट इज इक्वल डी ठीक है इसमें पोट करेंगे तो D क्या है इसमें हमारे पास काज बीटा काज बीटा माइनस एस साइन बीटा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा, बीटा प्लस बी कितना वन वो एस काज बीटा आ जाएगा ठीक है z इज इक्वल टू हमारे पास सी वन के बराबर z इज इक्वल टू क्या आ गया s के बराबर ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो अब अब हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग पॉइंट पुट करेंगे ठीक है क्योंकि z की जगह पर ये जेड इज इक्वल टू क्या है यहां पे s के बराबर है ठीक है तो अब हमारे पास क्या है पॉइंट गिवन है जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वो हम लोग इसमें पुट करेंगे ठीक है तो पॉइंट क्या है हमारे पास ये वाला टू स्केयर रूट टू स्केयर रूट थ्री तो यहां पे लिखेंगे एट टू स्केयर रूट टू स्केयर रूट थ्री स्केयर रूट ये हमारे पास एक्स है ये वाई है और ये जी है ठीक है इसको हम लोग इसमें पोट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा काजबीटा ठीक है माइनस एस एस की जगह पे यहां पे जेड है जेड किसके बराबर है थ्री अंडर रूट तो ये यहां पे थ्री अंडर रूट आ जाएगा थ्री अंडर रूट ये साइन ऑफ बीटा y इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है x किसके बराबर है टू स्क्र रूट और y किसके बराबर है थ्री स्क्र रूट ठीक है ये आ जाएगा साइन ऑफ बीटा प्लस यहाँ पे s दिया हुआ है s किसके बराबर है z के और z किसके बराबर है थ्री अंडर रूट के तो थ्री अंडर रूट और ये काज ऑफ बीटा ठीक है तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है हम लोगों ने इनको सॉल्व करके इसमें से हम लोग क्या करेंगे इसमें से हम लोग वैल्यू निकालेंगे बीटा और साइन बीटा की ठीक है बीटा और साइन बीटा जैसे निकालेंगे फिर उसको हम लोग एक्स वाई और जेड में पोट कर देंगे इसमें पोट कर देंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे रेज कर देते हैं और इक्वेशन ए ये हमारे पास जो रिजल्ट आया एक्स और वाई का इनको एड सब्रैक्ट कर लेते हैं ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है यहाँ पे थ्री अंडर रूट बीटा दिया हुआ है तो थ्री अंडर रूट इसको थ्री का नाम मेंशन कर देते हैं ठीक है इसको हम लोग फोर का नाम मेंशन कर देते हैं थ्री अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन थ्री के साथ और हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे इक्वेशन फोर के साथ ठीक है तो इसको जब हम लोग थ्री स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा थ्री स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट यह आ जाएगा थ्री स्क्वायर रूट काज ऑफ बीटा माइनस ऑफ बीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है

तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ये प्लस था तो माइनस प्लस था तो माइनस प्लस था तो माइनस ये कैंसल आउट हो जाएंगे ठीक है इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री स्के रूट टू स्केयर रूट माइनस थ्री स्के रूट इज इक्वल टू इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस फोर साइन ऑफ बीटा आ जाएगा ठीक है माइनस वन मल्टीप्लाई बात साइड करें तो हमारे पास आ जाएगा थ्री एस रूट माइनस थ्री रूट टू रूट और ये हमारे पास आ जाएगा फोर साइन ऑफ बीटा तो इसमें से हम लोग थ्री स्केयर रूट कॉमन ले सकते हैं वन माइनस टू स्केयर रूट इज इक्वल टू फोर साइन ऑफ बीटा ठीक है तो साइन बीटा की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी थ्री स्केयर रूट वन माइनस टू स्केयर रूट डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा ये वाला फोर आ जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग इक्वेशन किसी भी रिजल्ट में पुट करके चाहे इसमें पुट करें या चाहे इसमें पुट करें तो इसमें से हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे किसकी कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कॉस बीटा की जैसे निकालेंगे फिर उनको हम लोग इस एक्स वाई और जेड में पुट कर देंगे ठीक है तो हमारे पास फाइनली इसका सोल्यूशन आ जाएगा सॉरी स्टूडेंट हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक की है इसमें देखें ये y किसके बराबर है यहाँ पे टू रूट के बराबर है ठीक है, है तो इस y की जगह पे हम लोगों ने टू स्केयर रूट लिखना था मैंने गलती से थ्री स्क्यर रूट लिख दिया है तो ये टू रूट ठीक है तो उसके बाद क्या किया हम लोगों ने थ्री स्क्यर रूट को इक्वेशन uh, थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया ये ठीक किया मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आना चाहिए टू स्केयर रूट आना चाहिए ठीक है तो ये भी टू स्केयर रूट ठीक है तो इसमें हम लोगों ने टू रूट मल्टीप्लाई कर दिया इसमें से यहाँ पे टू स्के रूट कामन आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितना रह जाएगा थ्री स्क्र रूट रह जाएगा ठीक है तो ये टू स्के रूट कॉमन है इसको हम लोगों ने इस फोर को हम लोग लिख सकते हैं ये आ जाएगा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू टू स्केयर रूट और ये वन माइनस टू स्केयर रूट वन माइनस यहाँ पे क्या है थ्री स्क्यर रूट है थ्री स्केयर रूट और फोर को हम लोग लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाई टू ठीक है two, तो इस टू uh, अकेले टू को हम लोग दो दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ये क्यों लिखेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है अगर एक जैसे कांस्टेंट आ जाए एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो एक के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती उसको दो दफा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं ठीक है तो इसको लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट वन माइनस थ्री स्क्र रूट और ये आ जाएगा टू स्केयर रूट टू स्केयर रूट और ये टू ये और ये कैंसल साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे वन माइनस थ्री स्क्यर रूट और ये टू टू स्केयर रूट ठीक है ये साइन बीटा की वैल्यू आ गई इसी को आप लोग इक्वेशन थ्री में पुट करके कासबीटा निकाल लें ये थ्री में पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा टू स्केयर रूट इज इक्वल टू बीटा माइनस थ्री रूट साइन बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास वन माइनस थ्री स्के रूट और ये आ जाएगा टू टू स्के रूट ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है तो उस मैं कासबीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ कासबीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो रिज़ल्ट हमारे पास जो आ जाएगा वो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे कासबीटा का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा वन प्लस थ्री स्के रूट ठीक है वन प्लस थ्री स्केयरूट और ये टू टू स्केयर रूट है इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है कास बीटा और सैन बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली फिर आप इसमें पोट कर देनी है तो एक् इनको पोट कर देते हैं किसी ये हमारे पास क्या था कोई स्टेरिक की कोई थी ठीक है इसमें पोट कर देंगे तो एक्स हमारे पास आ जाएगा कास बीटा कितना आया वन प्लस थ्री स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई टू टू स्केयर रूट माइनस एस वैसे का वैसा सैन बीटा का रिजल्ट कितना आया वन माइनस थ्री रूट और ये टू टू रूट ठीक है इसी तरीके से y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन बीटा साइन बीटा और बीटा का वे रिजल्ट लिख लेना है साइन बीटा हमारे पास है वन माइनस थ्री स्क्यर रूट टू टू स्क्यर उट और प्लस एस बीटा का हमारे पास रिजल्ट आया वन प्लस थ्री अंडर रूट टू टू स्क्यर उड और z इज इक्वल टू एस का एस ठीक है तो ये हमारे पास इसका सोलूशन आ जाएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन था ठीक है इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू उसको सॉल्व करेंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज